नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। फिल्म प्रणाम का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है संजीव जायसवाल ने और इस फिल्म में जो लीड रोल में है वो है राजीव खंडेलवाल। फिल्म है कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर एक गैंगस्टर बन जाता है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे उन्होंने ट्रेलर देखा है, उनको ट्रेलर कैसा लगा और साथ ही साथ वो फिल्म के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। तो सर, आपने ट्रेलर देखा अभी अभी प्रणाम फिल्म का, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा ट्रेलर है और बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्द से जल्द ये मूवी आए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहेगा इस मूवी का और सभी को पसंद भी आएगी। बस यही कहना चाहूँगा, बाकी मूवी जब आएगी उसमें पता चलेगा कि कैसी है कैसी नहीं। ठीक है, ये मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। आपसे पूछना चाहूँगी ट्रेलर देखने के बाद कितनी एक्साइटमेंट है मूवी को लेकर? एक्चुअली एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि विश्वविद्यालय में जो केसेस होते रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी और ऐसा क्या परिस्थिति है जो फ्रेशर्स को सीखने को मिलेगी कि क्या आपके सामने खड़ा हो सकता है, जो कल दिक्कतें आ सकती है उसको कैसे फेस किया जाए, तो ये सब सीखने को मिलेगा और फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि क्या माहौल रहा, क्या मजबूरी रही उस लीडिंग हीरो को जो दिक्कतें आई। राजीव खंडेलवाल की एक्टिंग कैसी लगी इस ट्रेलर में आपको? उनकी एक्टिंग काफ़ी बेहतरीन लगी क्योंकि उनका कमबैक हो रहा है मूवीज़ में काफ़ी सालों के बाद। बीच में उन्होंने सीरीज़ में काम किया था और इसी वजह से आई एम वेरी एक्साइटेड। और फिर ये हमारे कॉलेज में भी इसका शूट हुआ है तो अब मस्ट वॉच रहेगी हम लोगों के लिए। तो कुछ और लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछा जाएगा। आपने मूवी का ट्रेलर देखा प्रणाम मूवी का, कैसा लगा? मूवी इज़ टू गुड एंड एक्शन है उसमें, आपको पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में दिखाया गया है। मैं तो बस ये कहूँगी यू कैन गो एंड वॉच दिस मूवी, इट्स टोटली गुड। मैम बहुत बढ़िया ट्रेलर लगा, हमने उसको देखा तो हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि यही हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के हम छात्र हैं और यहीं पे बना है, तो हमें गौरव की अनुभूति हो रही कि इतनी अच्छी मूवी बनी यहीं पे एलयू में, बहुत खुशी हो रही है मैम हमें। राजीव खंडेलवाल जी सीरियल से फिल्मों में गए हैं तो उनकी एक्टिंग हमने देखी है बहुत ही, टेबल नंबर 21 उनकी पिछली मूवी देखी है, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है और हमें उनसे बहुत ही एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे भी बहुत ही अच्छा करेंगे। और बाकी इसमें सस्पेंस दिखाई दे रहा है मूवीज़ में, इस मूवी में, और बहुत एक्साइटेड हैं और ये जिस दिन रिलीज होगी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहूँगी उन्होंने ट्रेलर देखा है अभी अभी प्रणाम मूवी का, तो आपको ट्रेलर कैसा लगा? ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्शन दिखाया गया है और काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, जो जर्नी दिखाई है आईएएस से गैंगस्टर की, तो काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है। बाकी मूवी आएगी तो देखना ज़रूर चाहेंगे। राजीव खंडेलवाल काफ़ी टाइम के बाद कमबैक कर रहे हैं, वो भी एक्शन और पावर पैक मूवी के साथ, तो क्या लगता है आपको, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये मूवी हिट जाए? हाँ, मुझे तो लग रहा है ट्रेलर के बाद एक्चुअली देख के लग रहा है कि इतना अच्छा थ्रिलर मूवी है एंड आईए से गैंगस्टर तक का सफ़र वो मुझे देखना अच्छा लगेगा कि मतलब क्या होता है, मतलब आजकल आईएएस कैसे कन्वर्ट हो रहे गैंगस्टर में, कि उनको क्या क्या चीज़ें हैं जो वो लड़ना पड़ रहा है सिस्टम से, क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही है, उसके बाद वो लोग किस चीज़ में तब्दील हो रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लगेगा देखना। आपको कैसा लगा राजीव खंडेलवाल का पावर पैक एक्शन इस ट्रेलर में? काफ़ी अच्छा लगा मुझे, उनका बहुत इंटेंस लुक दिया गया है इस बार और अब बस मूवी का ही वेट हो रहा है कि जल्दी से रिलीज होगी। काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी अच्छी जाने वाली मूवी, काफ़ी एक्शन काफ़ी अच्छा है यहाँ का मूवी का जी। तो लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए और ट्रेलर का आपने ओपिनियन सुनी लिया, सबको ट्रेलर ज़बरदस्त लगा है। तो 9 अगस्त को फिल्म रिलीज़ हो रही है, आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और फिल्म का मज़ा उठाइए। और इसी के साथ बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।